हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य, आपका स्वागत है टॉपिक एंड ट्रिक्स चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ चैप्टर सेकंड ऑफ सेटिंग अ बिजनेस एंड एंटिटी एंड डिस्क्लोजर। जो वो चैप्टर था, ठीक है, पहला खत्म हो गया। दूसरा बहुत लॉन्ग चैप्टर है, इसे हमने तीन भागों में बांट दिया। जो पहला दूसरा कंप्लीट हो गया, ठीक है, जिसमें पहले में प्राइवेट कंपनी के बारे में और उसके प्रोसीजर, उसके प्रिविलेज, उसके एग्जेप्शन पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हमने पब्लिक कंपनी पढ़ी थी, पब्लिक कंपनी के कुछ प्रिविलेज पढ़े थे, इनकॉर्पोरेशन कैसे करवाना उसके पढ़े थे, फिर निधि कंपनी के बारे में पढ़े थे और निधि कंपनी के कुछ प्रिविलेज एग्जेप्शन दे रखे थे उसके बारे में पढ़े थे। अब बात करते हैं हम फॉरेन कंपनी की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं फॉरेन कंपनी। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 42, फॉरेन कंपनी मींस एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया, वेदर बाय इटसेल्फ और थ्रू एन एजेंट फिजिकली और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड एंड कंडक्ट एनी एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया इन एनी अदर मैनर। कोई भी कंपनी, ठीक है, कोई भी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हो रखी हो आउटसाइड इंडिया, मगर उसका जो प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस वो इंडिया हो या वो अपने आप हो, ठीक है, या फिर उसके एजेंट के द्वारा फिजिकली या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में हो, उसे हम फॉरेन कंपनी कहते हैं। फिर या कोई भी उसका बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी ऑफ फॉरेन कंपनी वो इंडिया में करा जा रहा हो, ठीक है, और किसके द्वारा करा हो जाए, उसकी जो उसकी छोटी सी एक हिस्सा ब्रांच ऑफिस हो उसके द्वारा करा जा रहा हो, उसे भी हम फॉरेन कंपनी कहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन 379 टू सेक्शन 393 अंडर चैप्टर 22 ऑफ द एक्ट डील विद सच कंपनी। सेक्शन 379 टू सेक्शन 393 जो है ये फॉरेन कंपनी के बारे में बात करता है। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट सेक्शन 38 ऑफ द एक्ट ले डाउन दैट एवरी फॉरेन कंपनी व्हिच एस्टेब्लिशेस अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया मस्ट विद इन 13 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सच अ प्लेस ऑफ बिजनेस फाइल विद द रजिस्टर ऑफ अ कंपनी फॉर द रजिस्ट्रेशन। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो जिस दिन से उसने स्टार्ट करा या फिर एस्टेब्लाइज करा उस दिन से 30 दिन के अंदर विद इन 30 डेज के अंदर उसे अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एज अ फॉरेन कंपनी। अब बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ चार्टर स्टैट्यू और मेमोरेंडम आर्टिकल ऑफ द कंपनी और अदर इंस्ट्रूमेंट कंसिस्टिंग और डिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी एंड द इंस्ट्रूमेंट इज नॉट इन इंग्लिश लैंग्वेज A certificate translation thereon in the English language. कोई भी चार्टर, ठीक है, चार्टर मेमोरेंडम ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कॉपी ऑफ चार्टर हो गया, ठीक है, और भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी को डिफाइन करते हो, ठीक है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है या फिर वो भी जो डॉक्यूमेंट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होने चाहिए। अगर इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं है तो उसे इंग्लिश लैंग्वेज में चेंज करना होगा। फुल एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस ऑफ द कंपनी, पूरा एड्रेस होना चाहिए रजिस्टर ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफिस का, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर एंड सेक्रेटरी ऑफ द कंपनी कंटेनिंग सच पर्टिकुलर्स में, और एक फॉरेन कंपनी में डायरेक्टर कितने और सेक्रेटरी कौन है उनका नाम, ठीक है, पूरी सही तरीके से उनके डेट ऑफ बर्थ अच्छे तरीके से सब चीज दिया जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ अ नेम और एड्रेस ऑफ वन मोर पर्सन रेजिडेंट इंडिया ऑथराइज एंड एक्सेप्ट ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी सर्विस फॉर प्रोसेस एनी नोटिस अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू सर्व। क्या होता है कि हर एक फॉरेन कंपनी में एक पर्सन जो एक डायरेक्टर होता है वो रेजिडेंट होना चाहिए इन इंडिया, ठीक है, तो जो रेजिडेंट होगा उसका नेम और एड्रेस पूरे प्रॉपर तरीके से फाइल करा जाएगा। फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस ऑफ अ कंपनी इन इंडिया विच इज डीम्ड टू बी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, और जो इंडिया में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस माना गया है फॉरेन कंपनी का उसका भी एड्रेस हमें पूरी तरीके से सही चाहिए। पर्टिकुलर ओपनिंग और क्लोजिंग प्रोसेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया अर्लियर ओकेजन और ऑकेजन, कोई भी जब कितने कब कंपनी स्टार्ट होगी टाइम उसका ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम भी बताया जाएगा। डिक्लेरेशन दैट नोन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव इन इंडिया हैज एवर बी कन्विक्टेड और डिबार्ड फ्रॉम द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट इन इंडिया और अबाउट।
कंफर्म करा जाएगा कि जो भी डायरेक्टर हैं कंपनी के, ठीक है, या फिर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है इन इंडिया, ठीक है, वो कोई भी कन्विक्टेड और डिबार ना हो फ्रॉम अ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया और अबोर्ड एनी अदर इंफॉर्मेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 380 ऑफ कंपनी एक्ट 2013, ये सारी इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा जरूरी है फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, every foreign company has to ensure that the name of a company, the country of incorporation, the fact of the limited liability of a member is existed in a specific place or document are required under section 8. Section 381 require a foreign company to maintain a book of account and file a copy of balance sheet and net profit and loss account in a prescribed form with the ROC every calendar year. Jo according to section 381 ऑफ कंपनी एक्ट 2000, जितनी भी फॉरेन कंपनी है उन्हें अपना मेंटेन करना पड़ता है बुक ऑफ अकाउंट एंड फाइल करना पड़ता है कॉपी ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट स्टेटमेंट अकाउंट, ठीक है, किसको, आरओसी को, एवरी कैलेंडर ईयर। नेक्स्ट, सेक्शन 376 ऑफ द कंपनी एक्ट प्रोवाइड फर्दर दैट व्हेन अ फॉरेन कंपनी व्हिच हैज बीन कैरिंग ऑन बिजनेस इन इंडिया सीज टू कैरी ऑन सच अ बिजनेस इन इंडिया इट मे बी वाउंड अप एज अ अनरजिस्टर्ड कंपनी अंडर सेक्शन 375 टू 378 ऑफ द कंपनी इवन तो the company has been dissolved versus to exist under law of a country in the it was incorporated। कोई भी कंपनी, ठीक है, अगर वो चाहती है अपनी बिजनेस खत्म करना तो उसे जो वाइंडिंग अप करना है वो अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट ही होगा। नेक्स्ट, सेक्शन 379 व्हाई दैट वेयर नॉट लेस देन 50% of the paid up share capital, whether equity or preference or partially equity, partially preference of foreign companies held by one or more citizen of India or by one or more body corporate incorporated in India, whether singly or aggregate, such company shall be comply with the such provision of the act as may be prescribed by the central government with regard to business carry on India as we are incorporated in India। अगर कोई भी foreign company है, ठीक है, वो इंडिया में है, ठीक है, या फिर मान लिया जाए कि बाहर ही है, अगर उसकी जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50% ज्यादा किसी इंडियन पर्सन के द्वारा हेल्ड करा गया या फिर किसी कुछ लोग मिलके हेल्ड कर रखे हैं, इंडियन पर्सन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया, सो वो कंपनी है, वो इंडियन कंपनी में आ जाएगी और इंडियन कंपनी के जो एक्ट है ना उस कंपनी में कंप्लाई करे जाएंगे, अप्लाई होंगे उस कंपनी में। As regard to applicability of the provision of Company Act 2013 to foreign company following provision of the section 38 act noted, provision of section 71 related to debenture shall apply mutually to foreign, agar jaise foreign company pe section Indian company pe section 71 related to debenture apply hota hai, waisi same foreign company pe bhi comply hoga। Section 22 filing of annual return, same provision 182 to file requirement of maintain of principal place of business like India book of account with respect to money received spent, register of charge shall apply or inspection wale inno shall apply, jitne bhi ye sare section de rakhe hain wo apply foreign company ho gaye as such jaise indian company pe apply hote hain। baat karte branch office se hi naam se hi pata chal raha hai ek company ka kuch hissa, theek hai, jaise ab baat karte hain hum agar baat karte hain koi company hoti hai, theek hai, koi company hoti hai wo company एक जगह होती है, जैसे फॉरेन कंपनी है, कोई फॉरेन कंपनी है जिसका अमेज़न मान लेते हैं, अमेज़न की जो रजिस्टर ऑफिस है वो बाहर है, ठीक है, अब बाहर है मगर उसके जो कुछ कंपनियां जो हैं वो इंडिया में हैं, फिर मुंबई में हैं, उसके छोटे छोटे पार्ट हैं क्योंकि वो भी तो जहां से वो कंट्रोल कर रही है उसे हम कहते हैं उसका ब्रांच ऑफिस, ठीक है, उसका जो हिस्सा उसे हम कहेंगे ब्रांच ऑफिस। सो ब्रांच ऑफिस का मतलब ये होता है। अब बात करते हैं इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन के बारे में। ब्रांच ऑफिस फॉरेन कंपनी एज दे ग्रो सीक टू एक्सपेंड देयर बिजनेस ओवर द ग्लोब द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस हियर रेफर्ड टू ब्रांच ऑफिस अचीव द स्ट्रेटेजिक ग्रोथ द आर्टिकल एक्सप्लेन द रूट टू बी टेकन बाय द फॉरेन कंपनी इन एस्टेब्लिशिंग देयर ब्रांच एंड कंप्लायंस टू बी मेड इन प्रोसेस फोकसिंग स्लोली on establishment of branch office and not liaison on project office। branch office help the company with the easier management their business in a particular area, a of
ब्रांच ऑफिस एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट कंपनी, ठीक है समझ आ गया। ब्रांच ऑफ क्या होता है, अगर कोई सी कंपनी जैसे अमेजोन की बात करो, वो चाहती है कि अपना बिजनेस जो है वो पूरा ग्लोबल लेवल पे हो, ठीक है। तो अब ग्लोबल लेवल पे है तो एक ही कंपनी हर जगह तो कंट्रोल कर नहीं सकती, तो वो अपने किसी एम्प्लॉय को दूसरे देश में, ठीक है, एक कंपनी की तरह वहां बैठा देती है कि लो यहाँ का आप तुम सारा कंट्रोल तुम संभालोगे, मैनेजमेंट तुम संभालोगे, ठीक है, और तुम मेरे लिए ही काम करोगे। तो वही क्या होता है कि हमारे जो अमेजोन है वो दिल्ली में भी उसका ब्रांच ऑफिस है, मुंबई में भी ब्रांच ऑफिस है, जो अब मैनेजमेंट और अपने बिजनेस अमेजोन के बिजनेस को एक्सपेंड करती है थ्रू द सिटी, ठीक है। चलते हैं आगे, सेक्शन क्लॉज 41 कंपनी डिफाइन करा गया फॉरेन कंपनी, ठीक है, जिसमें बताया गया कि कोई भी उसका हिस्सा वो भी फॉरेन कंपनी कहलाएगा, इट मींस ब्रांच ऑफिस भी एक फॉरेन कंपनी कहलाएगा, जो रेगुलेटेड होता है सेक्शन 66 सबसेक्शन 6 ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अब बात करते हैं मास्टर डायरेक्शन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस लायसन ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया बाय अ फॉरेन एंटिटी। एक फॉरेन कंपनी कैसे स्टेबलाइज करती है अपने ब्रांच ऑफिस लायसन ऑफिस और प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया बाय अ फॉरेन एंटिटी, अब उसकी बात करेंगे। अब ब्रांच ऑफिस कैन बी एस्टेब्लिश्ड बाय फॉरेन बॉडी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग फर्म एसोसिएशन ऑफ पर्सन इन्वॉल्व इन अ मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग एक्टिविटी। कोई भी फॉरेन कंपनी जो है वो अपने ब्रांच ऑफिस को एस्टेब्लिश कर सकते हैं इन इंडिया। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप इजी एंड वन विद द मिनिमल कंप्लायंस, द परमिशन टू सेट अप अ ब्रांच ऑफिस हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय आरबीआई अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। अगर किसी को अपना ब्रांच ऑफिस स्टेबलाइज करना है इंडिया, उसे परमिशन लेना पड़ता है आरबीआई से अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। प्रोवाइड दैट गाइडलाइन टू बी फॉलो फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रांच ऑफिस, द फॉर्मर आल्सो रिजर्व द राइट टू रिजेक्ट एन एप्लीकेशन ऑन नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सेम, द एप्लीकेशन आर टू बी मेड इन द एफएनसी एंड आर द कंसीडर आरबीआई अंडर द टू रूल डिटरमाइन द डिग्री ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो एप्लीकेशन होगा वो फॉर्म एफएनसी में भरा जाएगा टू ऑब्टेन अ परमिशन फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है, और जो आरबीआई जो अंडर रूट टू रूट डिटरमाइन किया है फॉरन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये तो आपको पता ही होगा। पहला द रिजर्व बैंक रूट और द गवर्नमेंट रूट। अब रिजर्व बैंक रूट क्या है, ठीक है, व्हेन द प्रिंसिपल बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी फॉल अंडर द सेक्टर वेयर 100% एफडीआई इज परमिशन एंड द प्रायर परमिशन ऑफ आरबीआई ऑफ इंडिया नॉट रिक्वायर इफ द गवर्नमेंट अप्रूवल लाइसेंस परमिशन बाय कंसर्न मिनिस्ट्री हैज ऑलरेडी हैज बीन ग्रांटेड। अगर किसी पर्सन ने गवर्नमेंट से पहले अप्रूवल ले रखा है, ठीक है, फॉरेन कंपनी जो पहले से गवर्नमेंट अप्रूवल ले रखा है या फिर गवर्नमेंट से या फिर मिनिस्ट्री अफेयर से या फिर रेगुलेटर से, तो उसे आरबीआई से ही केवल आरबीआई से ही परमिशन लेना पड़ता है और वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी कंपनी जहां 100% एफडीआई इज अलाउड। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रूल, वेयर द सेक्टर डू नॉट परमिट 100% ऑफ एफडीआई इन्वेस्टमेंट, जहां पे 100% सेक्टर 100% इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट, उसे कहते हैं गवर्नमेंट रूट। आरबीआई हैज फ्यू अदर कंसीडरेशन, ट्रैक रिकॉर्ड, द फॉर बी ओ ब्रांच ऑफिस अ कंपनी विल रिक्वायर टू प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 फाइनेंशियल ईयर होम कंट्री। अगर कोई भी ब्रांच ऑफिस स्टेबलाइज करना चाहता है तो प्रॉफिट मेकिंग ट्रैक रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, ठीक है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 ईयर, जो 5 ईयर पीछे ही है उसके, किसका, होम कंट्री जहां वो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है उस ब्रांच ऑफिस का। नेटवर्थ, टोटल ऑफ पेड अप कैपिटल फ्री रिजर्व लेस एंड लेस इनटेंजिबल असेट्स एज पर द लेटेस्ट ऑडिट बैलेंस शीट ऑफ अकाउंट स्टेटमेंट सर्टिफाइड बाय चार्टेड पब्लिक सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट और रजिस्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिशनर, द नेटवर्थ हैज बीन द इक्वल और मोर देन $1 लाख, ठीक है, जो नेट टोटल पेड अप कैपिटल ऑफ रिजर्व है, मतलब नेटवर्थ जो है ब्रांच कंपनी का वो $1 लाख होना चाहिए, तब भी किसी कंपनी को हम ब्रांच ऑफिस एस्टेब्लिश करने के लिए अनुमति देंगे। एन एप्लीकेशन फॉर्म अप फॉरन फॉर ओपनिंग ऑफ ब्रांच ऑफ लाइजन ऑफ प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया शैल बी रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड शैल फॉरवर्ड अप बाय द एडी कैटेगरी बैंक वन बैंक एडिकेटेड की वन बैंक टू जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑफिस। अगर किसी को भी ब्रांच ऑफिस लाइसेंस ऑफिस या प्रोजेक्ट ऑफिस ओपनिंग करनी है तो उसे प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा रिजर्व बैंक, फिर रिजर्व बैंक फॉरवर्ड करेगी
आईडी कैटेगरी बैंक वन को टू जनरल मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर अ सक्सेस एप्लीकेशन हु शैल प्रोसेस द एप्लीकेशन इन कंसल्टेंस विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलोइंग केसेस Application citizen of registration incorporation in Pakistan, the application citizen of registration incorporated Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan, Hong Kong, Macau, and other application for opening of in Jammu, Kashmir, and net worth, the principal place business of the fields and the phone sector, namely defense, telecom, private security information. ये जो दे रखे इन सब को अगर अगर उन्हें एस्टेब्लिश करना इन सब चीज या फिर वो इस जगह से या फिर इन सब चीजों में हो ये जो दे रखी है डिफेंस टेलीकॉम प्राइवेट उन्हें गवर्नमेंट से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा ठीक है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन बाय फॉरेन कंपनी हैज टू मेड थ्रू द डेजिग्नेटेड एडी कैटेगरी वन बैंक जनरल मैनेजर फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई सम प्रेस का डॉक्यूमेंट हैड टू बी अटैच्ड इन द एप्लीकेशन द आरबीआई मास्टर सर्कुलेशन ऑफ 2000 प्रोवाइड टू डॉक्यूमेंट दैट हैव टू अटैच अगर एप्लीकेशन तो भर रहे एडी कैटेगरी वन बैंक को ठीक है उसके संग कुछ डॉक्यूमेंट अटैच करने होते हैं पहला इंग्लिश वरियर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्टर्स ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अटेस्टेड बाय द इंडियन एम्बेसी और नोटरी पब्लिक इन अ कंट्री ऑफ रजिस्ट्रेशन और ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द एप्लीकेशन एंटिटी ये हमें अटैच करना पड़ता है जो एप्लीकेशन जो एडी कैटेगरी बैंक वन को हम फाइल करेंगे Even if the application do not certify the criteria, if an agent file them on the behalf of the parent company, that parent company ought to satisfy the criteria. The ID category bank involved in the process will conduct the diligence on the application in the following cases: area, background, attestation of promoter, nature and location of the source of fund with the compliance with the KYC norm. Then, The branch office, hence once approved by the RBI, will be allotted a unique identification number. Once the office have been set up, the branch office must also obtain a permanent account number from the income tax authority. Shall report annual activity certified that branch office required to present the end of the show the activity under the permit category only. अगर RBI approve कर देता है as to establishment of branch office तो उसे allot करता है unique identification number और unique identification number obtain करने के बाद जो branch office है उसे permanent account भी obtain करता है from income tax authority अब बात करते हैं section 382 of the company act that company has conspicuous Seriously, exist outside the office. The company name and the specific country it was incorporated. The name must be English language and local language of area where the office is set up. If the member of company have been limited, then the same has been specified with the name of the company outside office and also mentioned all brochures, prospectus and other office other circular generated by the The Act also provides for registration of prospector company. जितने भी उसके ब्रोचर है प्रोस्पेक्टस है डॉक्यूमेंट है ठीक है या सर्कुलर उस पर कंपनी का एड्रेस होना चाहिए और उस लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में होना चाहिए और उस लैंग्वेज में होना चाहिए जहां वो ऑफिस स्टेबलाइज है या सेटअप है जैसे मुंबई की बात करें मुंबई अगर मुंबई में कोई कंपनी स्टेबलाइज है तो उसके प्रोस्पेक्टस को ब्रोचर और सर्कुलर जो भी सर्कुलर है उस पर इंग्लिश में तो उसका एड्रेस रहेगा ही रहेगा मगर मराठी लैंग्वेज में भी उस कंपनी का एड्रेस लिखा रहेगा ठीक है देन फंडिंग ऑफ ब्रांच ऑफिस बाय द फॉरेन कंपनी इक्विटी शेयर कैपिटल इन यूजुअल वे इंडियन कंपनी आर फाइनेंस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सच कन्वर्टर प्रेफर कंपलसरी कन्वर्टर डिवेंचर बोरोइंग देन कैन बी फंडिंग इस तरीके से मिल सकता है या इक्विटी शेयर हो सकता है प्रेफरेंस शेयर हो सकता है या फिर कोई भी बोरिंग डिवेंचर या बॉन्ड हो सकते हैं एक्टिविटी कौन कौन से एक्टिविटी कंडक्ट करी जा सकती है बाय ब्रांच ऑफिस The branch office represents the parent company and usually undertake the same activity as later. The profit from these are the easily remittance from India, subject to tax applicable. They are permitted by the RBI to undertake following activity as listed in the master circulation. Export or import कर सकते हैं goods का ठीक है rendering और professional consultancy service हो सकता है carrying out research work in area in which parent company is engaged promoting technical financial collaboration between any company and the parent or overseas group representing the parent company in india and acting as a buying and selling agent in india rendering service information technology development rendering technical support to product foreign airline shipping company ye sare jo activity hai foreign branch office dwara conduct kari ja sakti hai A branch office is not allowed to undertake any retail trading activity, manufacturing or processing activity undertake or directly also bad. और वो activity नहीं कर सकती जो
जो बार्ड हो, मतलब वो जो मना करा गया, वो एक्टिविटी नहीं कंडक्ट करी जा सकती कोई भी ब्रांच ऑफिस द्वारा। आरबीआई हैज गिवन जनरल परमिशन टू फॉरेन कंपनी टू सेट अप ब्रांच ऑफिस इन स्पेशल इकोनॉमिक जोन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कोई भी फॉरेन कंपनी अपना ब्रांच ऑफिस सेटअप कर सकती है इन अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, मगर उसे आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा और कुछ कंडीशन कंप्लाई करने पड़ेंगे। पहले कंडीशन ये होगा, फंक्शनिंग इन दोज एरिया सेक्टर वे 100% इज एफडीआई, उसी सेक्टर में वो वर्क कर सकती है ब्रांच ऑफिस जहां 100% एफडीआई इज परमिट होगा। कंप्लाई करेगा चैप्टर 12 जो फॉरेन कंपनी है टू फॉरेन कंपनी 378 से 380 तक का जो भी सेक्शन है वो कंप्लाई करना पड़ेगा और फंक्शन एज स्टैंड अलोन बेसिस, ये सब कंडीशन कंप्लाई करने पड़ेंगे तो भी वो कोई भी फॉरेन कंपनी अपना ब्रांच ऑफिस स्टेबलाइज कर सकती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में। तो एग्जाम्पल दे सकता है, ये आपने आप भी पढ़ लेंगे। तो हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है, ये द एंड। सो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो थर्ड जो डॉक्यूमेंट जिसमें मेमोरेंडम एसोसिएशन इन सब के बारे में दे रखा है। सो यहीं खत्म होता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।